Hello friends, welcome back to my YouTube channel Learn Information Technology. Today in this video I will tell you about how to add sound clip in our presentation. Yes, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम कोई भी ऑडियो फाइल या कोई भी साउंड हम कैसे ऐड करते हैं अपनी स्लाइड में. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So, we can add sound by two methods. We can insert a sound file directly from your computer, whatever you have saved in your computer. आपने अपनी computer की memory में या laptop की memory में आपने जो भी audio file या जो भी sound file already download कर रखी है, या तो हम वो insert कर सकते हैं या on the spot हम presentation में record करके अपने sound add कर सकते हैं. ठीक है, सो देर आर टू मेथड. फर्स्ट वन, इंसर्ट साउंड फ्रॉम द ऑडियो फाइल सेव्ड ऑन द कंप्यूटर. द सेकंड वन इज रिकॉर्ड साउंड. तो मैं आज दोनों तरीके आपको बताऊंगी कैसे हम कंप्यूटर की मेमोरी से हम कोई भी ऑडियो फाइल हम अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करते हैं और कैसे कोई भी रिकॉर्ड करके ऑन द स्पॉट हमने अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करते हैं. सो दोनों का प्रैक्टिकल बताऊंगी. सो लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स द फर्स्ट, दैट इज इंसर्ट ऑडियो from the computer memory. Okay, if you are adding a sound file from a file, यहाँ मैंने heading इसलिए डाली है file, ये file आपकी computer की memory की बात हो रही है. ठीक है, so computer की memory में जो भी file store है MP3 format में, yes, sound file या जो भी आप जिसको बोलते हो, आपने कोई भी voice record करी है, even आप phone में भी check कर सकते हो. If आपने किसी की वॉइस कॉल रिकॉर्ड करी है तो वो उसका एक्सटेंशन .mp3 होता है. सो इसका प्रैक्टिकल करने के लिए मैं स्लाइड शो एंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की, दैट इज स्केप. सो सी, हम देखिए उसी स्लाइड पे आ गए हैं. मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दे रही हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से फर्स्ट स्लाइड दिखेगी. ठीक है, नाउ सबसे पहला काम है आपका साउंड फाइल ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, वो स्लाइड चूज करोगे जिसमें आपको साउंड ऐड करनी है. ठीक है, मींस साउंड बोलो या ऑडियो फाइल बोलो, बात एक ही है. ठीक है, सो आप पहले वो स्लाइड चूज करोगे जिसमें आपको साउंड फाइल ऐड करनी है. ठीक है, सो इफ मुझे स्लाइड नंबर 3 पे ऐड करनी है तो मैं स्लाइड 3, अदरवाइज मुझे स्लाइड 4 पे करनी है तो स्लाइड 4 चूज करूंगी. ठीक है, सो मुझे इसी स्लाइड पे ऐड करनी है. सो आप सबसे पहले क्या करोगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे. इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आप बिल्कुल लास्ट कमांड पे आओगे, दैट इज द ग्रुप नेम इज मीडिया और उसी में एक ऑप्शन दिया है ऑडियो. ठीक है, इस ऑडियो कमांड पे आप जैसी ड्रॉप डाउन लिस्ट देखो, इसमें एक एरो बना है ऑलरेडी. ठीक है, इस आप एरो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, ऑडियो ऑन माई PC एंड द सेकेंड इज रिकॉर्ड ऑडियो. ठीक है, सो ऑडियो ऑन माई PC का मतलब है कि आपके जो भी PC में, मींस डेस्कटॉप हो या आपका कंप्यूटर हो चाहे आपका लैपटॉप हो, ठीक है, उसको माई PC बोला गया है. आपको कोई भी ऑडियो फाइल ऐड करनी है जो भी आपकी इस मेमोरी कंप्यूटर में या लैपटॉप में सेव है, तो आप कौन सा मेथड चूज करोगे, ऑडियो ऑन माई PC. ठीक है, इफ़ आपको कोई भी वॉइस रिकॉर्ड करनी है ऑन द स्पॉट तो आप रिकॉर्ड ऑडियो पे क्लिक करोगे. ठीक है, सो आई विल क्लिक ऑन दिस ऑडियो ऑन माई PC ऑप्शन. सो मैंने इस पर क्लिक किया ऑडियो ऑन माई PC, तो मेरे पास, मैंने अपना लोकेशन चूज़ करने के बाद मेरे पास 4-5 ऑडियो ऑलरेडी मेरे PC में सेव्ड हैं. मैं ट्रांजिशन ऑडियो पिक कर रही हूँ. आप जो भी आपको ऑडियो फाइल चूज़ करनी है आप चूज़ कर सकते हो. ठीक है, जैसे आप ऑडियो फाइल क्लिक करोगे, जैसे आप इंसर्ट बटन पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक स्पीकर जैसा आइकन बन के आएगा. सी, आपके सामने एक स्पीकर जैसा सिंबल बन के आ रहा है जब आपने इंसर्ट बटन पे क्लिक किया. सो इसका क्या मतलब है, एक ऑडियो फाइल ऐड हुई है जिसका ये सिंबल बन के आ रहा है स्पीकर जैसा. ठीक है, उसी के नीचे एक ट्रैक ऐड हुआ है जिसमें प्ले, प्रीवियस, नेक्स्ट और टाइमर और साउंड का ऑप्शन दिया है.
जैसे ही आप अपने फाइल ऐड करिए, आपके सामने दो न्यू टैब्स बन के आएंगी, वो मैं अभी आपको मैग्नीफायर से दिखाती हूँ। दो न्यू टैब्स का नाम है फॉर्मेट और प्लेबैक, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, एक मैं क्लिक करके दिखा रही हूँ, जैसे ही आप प्ले बटन पे क्लिक करोगे ये ऑडियो प्ले हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू ऐड थीम्स इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यस, मैंने इसलिए कोई अभी वाइट स्लाइड रखी है बिकॉज आप पावर पॉइंट ओपन करते हो तो आपको वाइट ही स्लाइड दिखती है। इसमें आप थीम्स कैसे लगाते हो, ठीक है। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे, प्ले और पॉज बटन, ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉज में। इफ़ आप अगेन क्लिक करोगे तो ये बटन कन्वर्ट हो जाएगा प्ले में, ठीक है। तो प्ले पॉज का यही काम है। ये बटन बेसिकली आपको बैकवर्ड जाना है, मीन्स कुछ सेकेंड प्रीवियस ऑडियो सुननी है या कुछ सेकेंड बाद वाली ऑडियो सुनी है, यू कैन से बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है। ये उस पर्टिकुलर का टाइम है कि किस कितने मिनट की ये ऑडियो है, और दिस इज़ दी साउंड बटन। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग वॉल्यूम अप और डाउन कर सकते हो, ठीक है। नाउ देखिए, जैसे ही मैंने ऑडियो ट्रैक ऐड किया, मेरे सामने दो न्यू टैब्स बन गए हैं, पहला फॉर्मेट टैब, सेकेंड प्लेबैक टैब, ठीक है। इन दोनों टैब्स में आप अपने स्पीकर बटन को फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। मैं प्लेबैक टैब का दिखा रही हूँ। आप चाहते हो कि जब भी मैं स्लाइड शो करूँ तो ये बटन मेरे को विजिबल ना हो, मीन्स ये जो स्पीकर आइकन बन के आ रहा है ये मुझे स्लाइड शो के टाइम नहीं दिखे, तो आप हाइड बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो जब भी स्लाइड शो होगा आपको आवाज़ सुनाई देगी बट वो स्पीकर आइकन दिखेगा नहीं, ठीक है। सो अभी मैं इसको अनटिक कर रही हूँ। फॉर्मेट टैब में क्या ऑप्शंस होंगे मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ। फॉर्मेट टैब में इफ़ आप चाहते हो ये पर्टिकुलर स्पीकर आइकन में एक बॉर्डर बन के आए या पिक्चर स्टाइल बन के आए तो आप वो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको हाउ टू ऐड ऑडियो फाइल फ्रॉम अ फाइल समझ में आया, मीन्स कैसे कोई भी साउंड आप ऐड करते हो अपनी कंप्यूटर मेमोरी से आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, कैसे हम कोई भी ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं। प्रैक्टिकल देखते हैं, हाउ टू रिकॉर्ड अ साउंड और ऑडियो इन अवर प्रेजेंटेशन, ठीक है। सेम मेथड है, आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऑप्शन दिखाया था, अब आप यहाँ किस पे क्लिक करोगे, रिकॉर्ड पे। मैं फिर से दिखा दे रही हूँ, सी आप अब आप किस पे क्लिक करोगे, इंसर्ट टैब पे जाने के बाद अब आप किस पे क्लिक करोगे, रिकॉर्ड ऑडियो पे। सी दिस वन इज द रिकॉर्ड ऑडियो सिंबल, ठीक है। जैसे आप रिकॉर्ड ऑडियो पे क्लिक करोगे आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स बन के आएगा जिसमें लिखा होगा रिकॉर्ड साउंड, ठीक है। आप अपने यहाँ जो भी आप साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हो उसका नाम दे सकते हो, बाय डिफॉल्ट लिख के आ रहा है रिकॉर्डेड साउंड, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखिए दो बटन बन के आ रहे हैं, प्ले पॉज एंड स्टार्ट, ठीक है। मीन्स आपको स्टार्ट करना है फर्स्ट टाइम आप इसी पर क्लिक करोगे। सो आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी, ऐसा तो है नहीं आप जो बोल रहे हो सब कुछ रिकॉर्ड करोगे, आपको जिस भी टाइम से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो आप किस बटन पर क्लिक करोगे, इस रेड बटन वाले जो बीच में सेंटर में रेड डॉट बन के आ रहा है इस बटन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे आप जो भी बोल, मैंने क्लिक कर दिया है, आप जो भी बोल रहे हो वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको टोटल साउंड लेंथ भी बन के आएगा, मीन्स टाइमिंग, ये सेकेंड्स में लिख के आ रहा है फिर मिनट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इफ़ आप चाहते हो बस इतना ही रिकॉर्ड करना है तो आप पॉज कर दो, फिर से करना है तो आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो, वो इसी टाइमिंग से आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको अभी पॉज कर दे रही हूँ। इफ आपको इसे ओके करना है, अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करना है, आप डायरेक्टली ओके बटन पे क्लिक कर सकते हो। सो आई होप हाउ टू ऐड अ रिकॉर्ड साउंड आपको समझ में आ गया है कि कैसे ऐड करते हैं। दिस वन इज़ दी स्टार्ट बटन, जैसे आप इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके पे क्लिक करते हैं। सी जैसे मैंने ओके बटन पे क्लिक किया मेरे सामने एक स्पीकर बन के आ गया फिर से, क्योंकि साउंड ऐड कर रहे हैं तो स्पीकर सिंबल ही आता है बन के, और नीचे एक ट्रैक बन के आया है, वही सेम ट्रैक है जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, प्ले पॉज बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये टाइमिंग है एंड द साउंड, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे सिंबल्स का समझ में आ गया क्या मतलब है, ठीक है।
ऊपर सेम है, दो न्यू टैब्स बन के आई क्योंकि आपने एक साउंड ऐड करी है, तो एक दो न्यू टैब्स बन के आ रही हैं, फॉर्मेट टैब एंड दी प्लेबैक टैब। सो आई होप आपको समझ में आ गया है हाउ टू ऐड अ साउंड इन आवर प्रेजेंटेशन। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड हिट द लाइक आइकन एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल सब्सक्राइब इट। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।